जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। आपका परिचय देंगे थोड़ा? सभी किसान भाइयों को नमस्कार। जय राम जी की। जय राम जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अशोक पाटीदार है। कहाँ के रहने वाले? मैं गांव ढोलाना तहसील बदनाव और जिला धार का रहने वाला हूँ। तो आप जय श्री राम। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल खेती किसानी पर। आज दिखाएंगे आपको पत्ता गोभी की नर्सरी कैसे तैयार करते हैं गर्मी में। और अभी टेम्परेचर 40 से 38 डिग्री का तापमान है। अगर हम ऐसे ही इसको तैयार करेंगे तो अपना जर्मिनेशन बहुत कम होगा और पौधे सूख जाएंगे। तो ये आज देखिए, ये नेट वाला इन्होंने शेड बनाया है और इसमें पत्ता गोभी की नर्सरी डाली है। और वो बीज भी दिखाते हैं कैसा अच्छा इस छाया से इन्होंने छाया करके इसको धूप बचाने के लिए किया है। और पास में ये जो देख रहे हैं आप, दोनों तरफ से इन्होंने दीवार बना दी कि जो कुत्ते और जो आवारा पशु जानवर अपने फसल को ख़राब नहीं करें। तो पूछते हैं भैया से इतने कौन सा रोप डाला है और कैसा है, ने क्या किया अभी नर्सरी डाला? तो ये 7 दिन की नर्सरी है भैया। 7 दिन की नर्सरी, आज 8वां दिन है इनका। 8वां दिन है। हाँ। तो ये क्या खर्चा आया इस नेट का? नेट तो जैसे घर की थी, पहले भी उपयोग में ली थी नर्सरी डालने के लिए। अच्छा, पहले भी ये लाए थे? जी हाँ। तो फिर भी कितना बन जाता है ये तो बजट? ये बजट हो गया होगा इसका 5000 का। 5000 में? जी हाँ। और ये लंबाई कितनी है इसकी? लंबाई है इसकी 100 फीट की। रुक जाओ, लंबाई 100 फीट की है इसकी। 100 फीट की लंबाई है? जी हाँ। और कितना रोप डाला आपने, कितनी बोरी डाली? मैं 30 पैकेट डाले हैं मैंने। 30 पैकेट? हाँ। थोड़ा सांगना हो गया है? नहीं, चलता है इतना तो। गर्मी में कुछ कटा वगैरह भी है, लेकिन इस बार कुछ कटा वगैरह कुछ नहीं है। जर्मिनेशन अच्छा है 100%। तो ये कौन सा बीज डाला आपने? ये सेमिनस का इंदू है। सेमिनस का इंदू। और ये देखिए दोस्तों, इनकी नर्सरी बिल्कुल एक तरीके से अच्छे से बाहर हो गई है ये। इसमें आपने टाट डाले थे क्या? जी हाँ। अच्छा, पानी आप फुहारे से दे रहे हैं ना? ये है रेन पाइप से पानी दे रहे हैं इसको। ये रेन पाइप से पानी दे रहे हैं। पानी कितनी देर देते हो आप? आधा एक घंटा चलाते हैं सिर्फ। आधे घंटे में हो जाता है? अरे बहुत हो जाता है आधे घंटे में तो। पूरा गीला हो जाता है ना? पूरा गीला हो जाता है। तो कितने दिन में हो जाएगी नर्सरी तैयार? ये 25 से 30 दिन में कम्प्लीट हो गए, चोपने जैसी स्थिति में आ जाएगी। चोपने जैसे। और ये एक कुड़ी का क्या रेट मिला है? ये एक कुड़ी आई है अपने को 245 रुपये में। इसका भाव बढ़ गया अभी क्या? हाँ, बढ़ा हुआ है। पहले तो 180-190 में आती थी यार। नहीं नहीं, पहले 220-230 में आती थी। अच्छा, 2-3 साल पहले मैं लाया था तो कम में थी। आपने पास में ये चरी का पाटे भी लगाए हैं? हाँ, ये कुछ गर्मी की लू वगैरह नहीं लगे उसके लिए थोड़ा उपाय किया है। ये देखिए दोस्तों, 5000 में इन्होंने ये पूरा सेट तैयार किया। और नर्सरी वाले जो करते हैं ऐसा ही, इन्होंने पूरा सेट बना दिया। ये बांस गाड़ दिए और तार से बांध दिया नीचे, पत्थर वत्थर रख के। हाँ, आंधी में उड़ेगा भी नहीं और जर्मिनेशन भी अच्छा आएगा। इस तरह से आप भी नर्सरी तैयार कीजिए। इसमें खर्चा एक बार का ही है, 4 से 5 साल तक ये नेट चलती है ना? हाँ, 8-10 साल भी चल जाती है। तो इसका नेट का कुछ नहीं बिगड़ता। तो आप ये इन खाली खेतों में लगाएंगे? हाँ, ये यहाँ पास में डलने वाली है। हाँ, कितने बीघे में आ जाएगा ये? ये 2 बीघे के समथिंग आ जाएगा। 2 बीघा खेत आ जाएगा ना? तो ये क्या खर्चा क्या लगता है एक बीघे का इसका? एक बीघे का रोप का खर्चा यूँ समझ लीजिए आपके 3.5 से 4 हज़ार रुपये का खर्चा हो जाएगा एक बीघे का। और पूरी फसल तैयार होने में लगेंगे 20-25 हज़ार रुपये इसके। एक बीघे का 25,000 में कटाई की स्थिति में आ जाएगा। और भाव तो फिर उसके ऊपर है, जो मंडी मिल जाए ना। मंडी मिल जाएगा। पिछले साल तो बहुत भाव थे इसके। हाँ, इस बार भी रहने के आसार लग रहे हैं। 45 से 40-45 रुपये किलो बिकी थी पत्ता गोभी। तो अभी आप जैसे तैयार कर रहे हैं ये, तो मतलब ये बारिश में आएगी? ये बारिश में आएगी, है ना? जुलाई में चालू हो जाएगी ये। जून जुलाई में? हाँ। 2 महीने लेती है? 2 महीने लेती है। 2 महीने में मतलब चोपने के बाद 2 महीने में फसल तैयार हो जाती है। और मंडी की कहाँ करते हो? मंडी रतलाम की होती है, इंदौर की होती है, कोटा की भी होती है। अच्छा, बाहर गाड़ी भरते हैं? हाँ, बाहर ही जाती है। आपने ये प्लाव करा है इस खेत को? हाँ, ये थोड़ा गहरी जुताई करी है इसमें। तो इसको फिर से आप रोटावेटर करके? रोटावेटर करके बेड बनाएंगे और नहीं डालेंगे इसमें। रोटावेटर करके इसको आप फिर पहले से इसको नीचे से पानी पिलाना? वो तो हो जाएगा नमी तो? नहीं 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 होगा। आप अगर ड्रिप से अगर करेंगे ना, तो इससे क्या होता है, वो जो ढेपे रहते हैं वो पानी नीचे नीचे ही जाता है और पूरा बेड गीला होता नहीं है। जैसे गहरी जुताई है और नरम खेत ही था बिल्कुल, इसमें ढेपे वगैरह। फिर भी है ना, अगर आप ड्रिप से पानी देंगे ना तो वो पानी नीचे चला जाएगा। तो आपको इसको रोटावेटर करके एक बार इसको नीचे से पानी पिला दो। अच्छा, गीला करके, तो उसकी जो जमीन की भाप भी ख़त्म हो जाएगी और वो आपके जो बेड बनाओगे ना आप, तो ये पूरे एक जैसे समान मात्रा में पूरे गीले होंगे।
अगर आप इसको ज़मीन से नहीं पानी देंगे और ऐसे ही बेड पर नली डाल देंगे तो आप महीना भर तक भी अगर उसमें बेड पानी छोड़ोगे तो वो ऊपर तक गीला होगा ही नहीं। अच्छा अच्छा, तो ये ध्यान रखना आप, पहले इसको नीचे से पानी पिला देना और फिर से हकाई करके फिर बेड बनाना, इससे आपका अच्छा रहेगा। ओके सर, धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद धन्यवाद।